विश्व के अन्य देश टीबी उन्मूलन के लिए 2030 तक का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी पूरे देश से समाप्त हो जाए। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत आज पूरे देश में टीबी के मरीजों को गोद देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं सोनभद्र में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा टीबी के मरीजों को गोद लिया गया, साथ ही उन्हें सम्मानित कर खाद्य पदार्थ भी दिया गया। बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे इस सम्मान कार्यक्रम में जहाँ एक तरफ समाज में हे समझने जाने वाले टीबी के मरीजों के प्रति लोगों के नजरिए में परिवर्तन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस सम्मान को पाकर मरीजों के आत्मविश्वास में वृद्धि भी देखने को मिल रही है। साथ ही इस कार्यक्रम से टीबी उन्मूलन में लगे स्वास्थ्य कर्मचारी भी काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत टीबी मरीजों को सम्मानित कर गोद लेने का कार्य सोनभद्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। सोनभद्र के बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत चौबे ने मुख्यालय के मुसही गांव के एक टीबी मरीज को सम्मानित कर गोद लिया और मरीज के पूरी तरह से ठीक हो जाने तक उसकी देखरेख का वादा भी किया। जिला अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम को एक आध्यात्मिक कार्यक्रम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की परहित सरसी धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई इस भावना वाले विचार से जुड़कर जीवन सफल हो जाता है। टीबी के मरीजों को बीजेपी के द्वारा गोद लिए जाने के बाद टीबी मरीज शनि काफी उत्साहित और भावुक हैं। शनि भावुक होकर ये बताते हैं कि टीबी के मरीजों को समाज में हीन भावना से देखा जाता है, ये बहुत ही गलत है। ऐसे व्यवहार से मरीज की हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। टीबी छूने से नहीं होता, इस भ्रम को दूर कर मरीजों को प्रेम और सम्मान से ही ठीक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए शनि काफी भावुक हो जाते हैं। वहीं टीबी उन्मूलन में लगे स्वास्थ्य कर्मचारी भी इस कार्यक्रम से उत्साहित हैं। उनका मानना है कि मरीजों को प्रेम और सम्मान देने से मरीज के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होता है। टीबी के प्रति लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं जिसे दूर करना जरूरी है। सरकार के टीबी उन्मूलन का अभियान पूरे देश में जिस सफलतापूर्वक चल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत निर्धारित लक्ष्य 2025 से भी पहले टीबी मुक्त हो जाएगा। दवा के लिए बोले, उसके बाद कुछ सामानें दे के गए यहाँ पे, जिसमें मूंग की दाल है, तेल है और कुछ टानी आयुर्वेद की जैसे दवा है। वो सब गलत बोलते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम इसमें परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन अभी आज तक कुछ नहीं दिखाई दिया, जिसमें मेरी दवा करने की वजह से सब सही हो गया और मेरे परिवार भी सही सलामत नहीं है। ऐसे भेदभाव ना करें, अपने जिसको बीमारी है उसको अच्छे से खान पीन पे ध्यान दें लोग, कुछ छपाता ना करें उसके साथ, क्योंकि उसकी तबीयत और भी गंभीर हो सकती है उसको दबाव देने पर। प्यार दें। 17 सितंबर को हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान का शिविर, 18 को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, इस ढंग से लगातार हम सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत लगे हैं। आज 30 सितंबर को टीबी मरीज को गोद लेना है। भारतीय जनता पार्टी ने जनपद सोनभद्र के टीबी मरीजों को गोद लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त भारत का नारा दिया है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनपद सोनभद्र में टीबी रोग के मरीजों को गोद लेने का काम हम सब कर रहे हैं। आज उनको चना, मूंग, सरसों का तेल, प्रोटीन इत्यादि समाधान उनको उपलब्ध कराकर हम उनकी चिंता करेंगे वो कैसे जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसके तहत आज हम सब निकले हैं और जगह जगह सभी लोग टीबी रोगी को गोद लेने का काम कर रहे हैं। जैसे स्वच्छता अभियान के तहत हम सब ने स्वच्छता अभियान वार्ड स्तर पर गलियों में गांव में किया, हमने अमृत सरोवर पर स्वच्छता अभियान को चलाया, हम लोगों ने समय समय पर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ हम सब ने दिव्यांग भाइयों को कृत्रिम उपकरण भी देने का काम किया।
हम तरह तरह का जो इनके लिए जरूरी है वह कार्य समाज के लिए कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कल 1 अक्टूबर है, हम लोग 1 अक्टूबर को वृक्षारोपण का काम करेंगे। एक कार्यकर्ता एक वृक्ष लगाएगा और उसका पालक रहेगा, उस वृक्ष की सुरक्षा करेगा। 2 अक्टूबर को बापू महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम लोग गांधी जी को याद भी करेंगे। वोकल फॉर लोकल के तहत ये सब जगह सूचना जाएगी कि हम लोगों को कोई देख रहा है। आज सब दवा फ्री है, जांच फ्री है। सर मेरा एक देश की जनता के साथ, खासतौर से सोनभद्र की जनता के साथ एक कहना है कि यहाँ के लोग एक भ्रांति में हैं। यहाँ से लोग अक्सर देखें बक्सर जाते हैं, ये उनके दिमाग से हटाना है, वहाँ से बड़ी बीमारी लेके आते हैं। ये सर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हमारे सुपरवाइजर हैं सतीश सोनकर, हम बाहर गए हुए हैं सर के साथ, उनके पास ऐसे से मरीज आते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारी लेके आते हैं, टीबी से बड़ी बीमारी। सर उन लोगों को रोकना है, बताना है कि यहाँ जाँच फ्री है, दवा फ्री है, आपको दवा खिलाया जाएगा, सारी व्यवस्था है, आप क्यों गलत जगह जा रहे हैं। तो सर उनके लिए सर ये एक सूचना है। बाकी सर सर भारतीय जनता पार्टी सर बहुत अच्छे काम कर रही है और ये सर 2025 में है क्या, 2024 तक में ख़त्म हो जाएगा। सोनभद्र का सर यूपी में नंबर 1 पोजीशन है, मतलब अंडर 10 के अंदर आता है और मुझे लगता है कि